उत्तर प्रदेश की चुनावी गलियारों में हलचल मची हुई है। वहीं आपको हम बता दें, हर चुनावी संगठन पार्टी अपनी कमर कस कर उत्तर प्रदेश के जिलों में दौरा कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह प्रतापगढ़ का दौरा करके राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं, और क्या उनका उद्देश्य था, ये लगातार दौरे कर रहे हैं, और किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी और एनडीए गठबंधन की तैयारी चल रही है। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे बताएं। जी धन्यवाद। मैं राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूं, और पूरे उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के मैं दौरा कर रहा हूं, और हर क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की हमारी विशेष दौरा होता है, संगठन को मजबूत करते हैं। और कल हमारा प्रतापगढ़ को 14 जुलाई 2024 को प्रतापगढ़ जनपद में दौरा हुआ। जिले के भ्रमण के दौरान वहां पर कार्यक्रम में जो मोहनगंज में प्रतापगढ़ के जनपद मोहनगंज में हमारा विशेष रूप से कार्यक्रम हुआ। वहां पर इंटर कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय वीरभान सिंह जी के सौजन्य से कार्यक्रम का संचालन कराया गया, और इस दौरान आदरणीय अनिल सिंह परमार जी, राजेश बहादुर सिंह जी, दीपक जी, उदय जी, सौरभ जी, राजू जी, विकास सिंह, शंकर एवं उदय सिंह, राम प्रताप, अभर, अर्जुन कुंवर, इस तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर हमारे मौजूद रहे, और जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई, आगामी चुनाव को लेकर के गहन अध्ययन हुआ, बूथ लेवल पर विशेष रूप से पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई, मार्गदर्शन दिया गया, उन्हें प्रशिक्षित किया गया, और आगामी चुनाव को लेकर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं संगठन में काफ़ी उत्साह है कि राष्ट्रवादी पार्टी एक बड़े लेवल पर आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने जा रही है, जो राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार में मजबूती के साथ उसे उभरते हुए दिखाना है, राष्ट्रवादी पार्टी को सरकार में पहुंचाना है, ऐसा विशेष राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा, जो मजबूती के साथ संगठन पर चर्चा होते हुए कार्यकर्ता ने शपथ लिया है कि आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ हम लोग हिस्सा लेंगे, और अभी से ही कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करते हुए उनकी जन समस्याओं को सुनते हुए उनकी समस्याओं के हल के लिए संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारी अपने स्तर से उन आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव के लिए एक बहुत बड़ी हिस्सा के रूप में उभरते हुए राष्ट्रवादी पार्टी का जनाधार होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अखिलेश जी, आपके द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों का भ्रमण किया गया, जहां आप बूथ पर जो बूथ अध्यक्ष लोगों को यहां पर नियुक्त कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे बूथ अध्यक्ष को लेकर के, क्या तैयारी, क्या बड़ी रणनीति तैयार हुई? बिल्कुल, बहुत अच्छी रणनीति तैयार की जा रही है। हर बूथ अध्यक्ष को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि हर बूथ पर राष्ट्रवादी पार्टी का भारी से भारी संख्या में कार्यकर्ता हो, और वह पूरे बूथ पे जितने वोट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वोट राष्ट्रवादी पार्टी के पड़े, उसके लिए नए नए तरीके से उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, नई नई गाइडलाइंस दी जा रही है कि राष्ट्रवादी पार्टी का बूथ जितना ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत होगा, उतने भारी संख्या में राष्ट्रवादी पार्टी की जीत होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इस तरीके से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अखिलेश जी, जिस तरीके से आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से अब मुहर्रम में सड़कें सूनी नहीं दिखाई देती हैं, और पूरा जो है उनके साथ में अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, हर एक को इनके साथ आ चुका है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या नया देखने को मिलने वाला है? क्या एनडीए गठबंधन इस बार फिर से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तिबारा हैट्रिक मारने वाला है? देखिए, राष्ट्रवादी पार्टी एक प्रख्यात नाम हमारे पार्टी का है, प्रचलित नाम है राष्ट्रवादी पार्टी,
लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी का नाम पूरा जो है वह आप पीछे कैमरा में दिखा सकते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय राष्ट्रवादी पार्टी पूरा नाम है। सबको साथ लेकर के सबके हित के लिए राष्ट्रवादी पार्टी काम कर रही है और राष्ट्र में आस्था रखने के लिए राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलते हुए राष्ट्रवादी पार्टी सबके विकास के लिए काम कर रही है और आने वाले आगामी विधानसभा में सबके लिए राष्ट्रवादी पार्टी काम कर रही, सबके लिए योजनाएं तैयार कर रही है। अपने संकल्प पत्र में प्रतिबद्ध तरीके से पूरे सभी समाज को सभी जाति धर्म से उठ करके राष्ट्रवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने वाली है और सबके विकास के लिए काम कर रही है। आने वाले विधानसभा में राष्ट्रवादी पार्टी एक उभरती पार्टी होगी जो सरकार में एक बड़े लेवल पर अपना बहुमत दिखाएगी, यह हमें पूर्ण विश्वास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे हमने बात किया किस तरह से उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर लगातार जिलों के भ्रमण कर रहे हैं, जहां पर बूथ अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है और बड़े स्तर पर विधानसभा चुनाव में अपने जनाधिकार दिखाने की बड़ी बात कही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया है कि अब की बार 2027 में राष्ट्रवादी पार्टी उभरती हुई पार्टी होगी, जहां कार्यकर्ताओं में लगातार हर्षोल्लास बना हुआ है। इस 2027 के चुनाव में कुछ अलग दिखाना है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से।